अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे स्प्रिंग ऑनियन के समोसे, उलपात के समोसे, इसे कांदा भाजी भी कहते हैं। ये समोसे बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। सबसे पहले एक पॉट लीजिए, उसमें डालिए 2 कप्स चॉप किया हुआ स्प्रिंग ऑनियन, उलपात, 1/2 कप चॉप्ड ऑनियंस डालिए, प्याज डालिए, 1.5 कप हम क्यूब किए हुए बॉयल पोटैटोज़ डालेंगे, आलू डालेंगे बॉयल करके। मैंने 3 बड़े वाले आलू लिए हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालिए, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालिए, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालिए, 1 टीस्पून नमक डालिए, 1/2 कप बॉयल किए हुए ताज़े मटर डालिए, 1 टेबलस्पून ऑयल डालिए, तेल डालिए। एक बार अच्छे से मिक्स करके लीजिए, फिर हम उसको गैस पे रखेंगे कुक करने के लिए। अब अपनी कढ़ाई गैस पे रखिए और गैस ऑन कीजिए, गैस को रखिए मीडियम फ्लेम पर। अब हम इसको 5 मिनट के लिए कुक करेंगे, पकाएंगे, बीच बीच में हिलाते रहिए। 5 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट बाद गैस को बंद कर दीजिए। अब हम इसमें हैंडफुल चॉप करके हरा धनिया डालेंगे, 4 से 5 टेबलस्पून मैंने लिया है, बारीक कट करके उसको डालिए और अच्छे से मिक्स करके लीजिए। अब इसको ठंडा होने के लिए ऐसे ही रखिए रूम टेम्परेचर पर। अपना मटेरियल रेडी है, आप इससे समोसे भी बना सकते हैं और सैंडविचेस भी। एक मैदे की स्लरी बना के लीजिए, थोड़ा सा मैदा और गर्म पानी डाल के उसको घोल बना के रेडी करके ले। मैंने स्वीट्स के समोसे के शीट्स लिए हैं, समोसा पट्टी, समोसा शीट लीजिए, उसको ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड करके लें। अपना समोसा अच्छे से फिलिंग डाल के भर के लीजिए, जितना चाहे उतनी फिलिंग डालिए आप अंदर, और उसको अब हम फोल्ड करेंगे, सील करेंगे। मैदे की स्लरी लें, घोल लें और उसको अच्छे से कॉर्नर्स पे लगाइए और अपना समोसा रेडी करके ले लें। ये देखिए, ऐसे चिपकाइए, अपना समोसा रेडी है। ऐसे ही हमें सारे समोसे अपने बना के रेडी करके ले लेने हैं। अपने समोसे रेडी हैं, ऐसे ही सारे समोसे बना के रेडी करके ले लें। मेरे टोटल 22 समोसे बने हैं। 3 से 4 घंटे फ्रीज़र में उसको फ्रीज करके लीजिए और फिर उसको एयरटाइट कंटेनर बॉक्स में स्टोर कीजिए 1 मंथ के लिए, और 3 to 4 days इन रेफ्रिजरेटर। फ्राई करने के 10-15 मिनट पहले निकालिए आप फ्रीज़र से और फिर आप उसको मीडियम फ्लेम पर डीप फ्राई कीजिए, जब तक वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता तब तक। हल्का सुनहरा कलर आ चुका है, अब आप उसको बाहर निकालें। अपने स्प्रिंग ऑनियन समोसे, उलपात समोसे रेडी है, उसको गर्मा गर्म नारियल की चटनी के साथ सर्व कीजिए। सबसे पहले हमारे वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। डिलीशियस।